नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। ग्राम पंचायत डरी जबरगढ़ में बनी उच्च जलाशय टंकी ग्रामीणों के लिए नाकारा साबित हो रही है। पीएचईडी के अधिकारियों की उदासीनता के कारण ठेकेदार नहीं दे रहा है ध्यान, जिसके कारण तकरीबन 15 दिनों से जबरगढ़ की ढाणे की टंकी से कई जुड़े गाँवों में नहीं हो रही है सप्लाई। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में समय समय पर इस ओर ध्यान आकर्षित किया व ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद कुछ दिन पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की गई, लेकिन आज जबरगढ़ की ढाणी डरी में बने सार्वजनिक खेली तक खाली पड़े हैं। पीएचईडी विभाग में कार्यरत हेल्पर दलारा आम मेघवाल ने कुटी चांदी कनेक्शन के नाम पर की गई अवैध वसूली, ग्रामीणों ने इनकी मौखिक शिकायत पीएचईडी के अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण हेल्पर दलाराम मेघवाल ने प्रत्येक घरेलू कनेक्शन के नाम पर 300 से 500 रुपए लिए। इसकी जानकारी हेल्पर को होने पर ग्रामीणों को कनेक्शन वापस तोड़ देने की धमकी देता है, जिसके कारण ग्रामीण किसी के आगे मुंह तक नहीं खोलते। जैसे नाराज हेल्पर तकरीबन 15 दिनों से पानी नहीं छोड़ रहा है। 28/1/2018 को पीएचईडी जैन ने अटल सेवा केंद्र पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि आज के बाद आपको पानी की किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। आहोर से, जालोर से चैनल इंडिया लाइव के लिए जसराज कुछल पाचोटा की स्पेशल रिपोर्ट।